ओके तो आज हमारा टॉपिक है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का अंगूठे वाला नियम। थम्स अप। कब लगा करता है रूल? और स्टेट साइंटिस्ट ने बता दिया था कि करंट में अगर किसी वायर में पास होता तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। उसके लिए एक अच्छा रूल दिया मैक्सवेल साइंटिस्ट ने, राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, बहुत ध्यान से देखेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में। ये क्या करता है, सपोज करो आपने एक करंट कैरिंग वायर जो स्ट्रेट वायर है, सिर्फ ये स्ट्रेट वायर के लिए एप्लीकेबल है, हालांकि इसको हम लूप के लिए भी यूज़ कर लिया करते हैं। सपोज करो आपने एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको अपने राइट हैंड में आपने पकड़ा हुआ है, पकड़ कैसे भी सकते हैं, वैसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो, लेकिन इसमें कंडीशन ये है, सपोज करना है, पकड़ना नहीं, पकड़ोगे तो सालों करंट लग जाएगा, चिपक जाओगे सबके सब एक साथ ही। हाँ, सपोज करो किसी वायर में, करंट कैरिंग वायर को आपने अपने राइट हैंड में पकड़ रखा है इस तरीके से कि जो आपका थंब है, राइट हैंड का थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो आपकी जो उंगलियाँ घूमी हैं, ये जो उंगलियाँ कर्ल कर रही हैं, ये आपको शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन। मेरे शब्द को ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन आपको शो करेंगी, ये करंट जा रहा है ये, यानी कि कुछ कुछ इस तरीके से। और एक बात और बताऊँ आपको, ये आपको डायग्राम बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी एग्जाम रूम में अगर आता है एंड रूल आया तो ऐसे कर लो, अच्छा ये है डायग्राम, बिल्कुल ऐसी बना दो देख के। ओके, करंट जा रहा है, इसको आपने अपने राइट हैंड में पकड़ना है, सपोज करना है सिर्फ अंगूठा उस तरफ जिस तरफ करंट जा रहा है, ऐसे पकड़ो यहाँ, तो डायग्राम कुछ समथिंग लाइक दैट इस तरीके से बनना चाहेगा। आप बना दें इस डायग्राम को, इधर ये आपका आ जाएगा अंगूठा, बस डायग्राम आपने अच्छे से बनाना है, एग्जामिनर वहीं आपका गिर जाएगा, कहेगा यार इसे तो नंबर पूरे ही दो, इसे जब डायग्राम इतना अच्छा आता है तो इसे क्वेश्चन तो टॉपिक तो आता ही होगा। ओके, ये करंट जा रहा है किसी वायर में ऐसा हम मान रहे हैं, और ये आपने राइट हैंड को फोल्ड किया हुआ है। ओके, इस तरीके से इसको आपने वायर को होल्ड किया हुआ है कि जो आपका अंगूठा है, आपका जो थंब है, वो करंट की डायरेक्शन में, आप ध्यान से देखें, करंट मैं ऊपर को इसमें भेज रहा था, तो करंट की डायरेक्शन में आपका थंब है। ओके, रूल के अकॉर्डिंग आपका जो अंगूठा होना चाहिए, थंब जो होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन वो होनी चाहिए जहाँ को आपका करंट फ्लो कर रहा है। थंब आपका ऊपर की तरफ है, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन जो आपकी उंगलियाँ कर्ल कर रही हैं, उंगलियाँ जो ऐसे घूमी हैं, यानी कि ये जो डायरेक्शन आ रही है, समझेंगे ध्यान से, ये जो डायरेक्शन आई है ये वाली, ये आपकी डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। मैं कह रहा हूँ शब्दों को ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है ये। तो जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हुआ करता है वो किस किस रिलेशन देता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और आपके करंट की डायरेक्शन में, इन दोनों में रिलेशन देगा तो ये देगा। ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, एक हमारा अंगूठा और दूसरा हमारी उंगलियां, लेकिन ये ध्यान रखना राइट हैंड की है, इसकी जो लैंग्वेज बनती है उस तरीके से बनती है। सपोज यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह आप इसको राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल कहते हैं मैक्सवेल का, तब भी इसकी बात ये रहेगी। और इसमें इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं, स्क्रू जो आप कसते हो, पेज अगर कस रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे, अगर एक पेज कस पेज कसते तो ऐसे कसते हैं, तो ये कहता है जब पेज कस रहे हैं तो जिस तरफ को आपका पेज चले आगे चल रहा है ऐसे करोगे तो करंट पीछे आ रहा है, करंट और पेज मतलब जहाँ को करंट चल रहा है इसका वहाँ को तो आपका पेज आपको करंट है, जैसे आपका हाथ घूम रहा है यूं वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसे स्क्रू रूल भी अलग से इसको एक स्क्रू रूल करके देगा, तो वो भी यही चीज़ है और कुछ नहीं है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट में रिलेशन बताता है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसको अब हम कर्व वायर पर कैसे लगाएं, अगर वायर कर्व है तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपका वायर कर्व है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे वायर है, ओके लूप है मान लीजिए ऐसा, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है यूं, तो क्या करें,
अब ये जो हमने रूल पढ़ा है सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए, ध्यान रखना आपने कुछ नहीं करना, यही रूल है आपके पास। वायर गोल है, कर्व है, तो आपने उंगलियां गोल घुमानी है, तो उंगलियां करंट है, करंट कहाँ को जा रहा है भैया, ऐसे जा रहा है जिस तरफ को करंट जा रहा है वो उंगलियां घुमा लो। अंगूठा अंदर गया तो अंगूठा देता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल अंदर है तो बाहर की तरफ हमको क्या दिखेगा, आंसर है साउथ पोल। अच्छा अगर करंट इसमें मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस तरीके से फ्लो कर रहा होता ऐसे यूं, तो फिर वही उंगलियां अपनी घूमनी चाहिए करंट के साथ, अंगूठा क्या दिखाएगा नॉर्थ पोल, तो बाहर की तरफ बनेगा नॉर्थ पोल। इसको ऐसे याद रखते हैं। और एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ याद करने का, इसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब भी है तो भैया नॉर्थ पोल बनेगा।